नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों नए वर्ष की शुरुआत में ही लोगों के मन में नए साल के भविष्य को जानने के लिए बहुत से सवाल रहते हैं। उनके मन में भविष्य को जानने के लिए उत्सुकता रहती है, मन में सवालों का समुद्र हिलोरे लेने लगता है, सवालों की एक पोटली सी मन में बंध जाती है। जैसे अभी आपके मन में वर्ष 2022 के भविष्य को जानने के लिए बंधी हुई है। हाजिर हूँ मैं आपके सामने वर्ष 2022 का भविष्यफल लेकर। वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है आपके लिए, आपके व्यापार की स्थिति, आपके नौकरी की स्थिति, आपके धन संपत्ति की स्थिति, आपके स्वास्थ्य की स्थिति, साथ ही आपके लव लाइफ की क्या स्थिति वर्ष 2022 में रहने वाली है, आपका वैवाहिक जीवन वर्ष 2022 में कैसा रहने वाला है, और साथ ही आपके पारिवारिक जीवन की क्या स्थिति इस वर्ष रहने वाली है, आपकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, आपका व्यापार अच्छे से चलेगा या नहीं चलेगा, आपके पास धन संपत्ति आर्थिक उन्नति आएगी या नहीं आएगी, इन सभी तमाम सवालों के जवाब लेकर हाजिर हूँ मैं आपके सामने। देखते रहेगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर वन फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। वर्षफल 2022 की शुरुआत से पहले आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो वर्षफल है ये जनरल प्रेडिक्शन पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर वर्ष 2022 कैसा रहेगा अगर ये जानना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर आप ये जान सकते हैं। शुरुआत करते हैं वर्ष 2022 सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, सिंह राशि के लिए क्या अच्छी चीज़ें लेकर आ रहे हैं वर्ष 2022, और सिंह राशि वालों के लिए क्या बुरी चीज़ें लेकर आने वाला है, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखा जाए तो हम सबसे पहले बात करेंगे वर्ष 2022 सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक तरीके से कैसा रहने वाला है, फाइनेंस की दृष्टि से, पैसों की दृष्टि से, धन संपत्ति की दृष्टि से कैसा रहने वाला है। धन से जुड़े मामलों में अगर देखा जाए तो वर्ष 2022 सिंह राशि वालों के लिए उत्तम परिणाम देने वाला है। यदि आर्थिक तंगी आ रही थी तो साल की शुरुआत यानी कि जनवरी माह के मध्य में उसमें सुधार आएगा। इसके बाद मध्य अप्रैल से आपकी राशि में अष्टम के भाव में गुरु गोचर करेंगे। आपको कई माध्यमों से गुप्त धन की प्राप्ति होगी और इस दौरान कुछ फिजूल खर्चों में इजाफा हो सकता है, जिससे आपको परेशानी होगी। ऐसे में आपको सही बजट के अनुसार ही धन खर्च करने की सलाह हम यहाँ पर देना चाहेंगे। जून से अक्टूबर माह के दौरान आपको आर्थिक जीवन के लिए कई सुंदर योग दिखाई देंगे, क्योंकि इस समय मंगल देव का गोचर आपके भाग्य स्थान में होगा, जिससे आप अपनी आमदनी में वृद्धि करने में सक्षम रहेंगे और इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। साथ ही कहना चाहता हूं कि आपको अपने हर मानसिक तनाव से इस टाइम पर मुक्ति भी मिलेगी। इसके अलावा नवंबर और दिसंबर में आपको अपने खर्चों पर विशेष लगाम रखने की आवश्यकता दी जाती है, क्योंकि इस दौरान आप अपने खर्चे अतिरिक्त होने पर आपको कई आर्थिक समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए आप खर्चों पर लगाम रखेंगे तो आपको ज़्यादा कोई परेशानियाँ प्राप्त नहीं होगी। ओवरऑल आपके लिए ये जो आर्थिक पक्ष की दृष्टि से वर्ष 2022 है बहुत शानदार रहने वाला है। अगर खर्चों पर लगाम रखेंगे, जितनी आय है उतना ही खर्चा करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, तो आपको कोई परेशानियां नहीं होगी। बात करेंगे वर्ष 2022 स्वास्थ्य की दृष्टि से, वर्ष 2022 आपके सिंह राशि वालों कैसा रहने वाला है। वर्ष 2022 स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्य ही फल प्राप्त देने वाला है। शुरुआत में आपको थोड़ी सेहत में कुछ सुधार देखा जाएगा, खासतौर पर वे जातक जो किसी गंभीर समस्या से पीड़ित थे उन्हें इस दौरान कुछ राहत मिलेगी। इसके बाद वर्ष 2022 यानी कि 12 अप्रैल को राहु ग्रह का मेष राशि में गोचर होने वाला है। आपके नवम भाव में राहु गोचर करेंगे और इसको प्रभावित करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको कई मौसमी समस्या जैसे खांसी, जुकाम, बुखार आदि होने का खतरा रहेगा। ऐसे में इस अवधि में आप सबसे अधिक अपने खान पान पर ध्यान रखें और स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता बढ़े, इसलिए आपको अच्छा रहेगा। इसके अलावा जून से लेकर अक्टूबर के बीच आपको कोई संक्रमण होने की शंका भी हमें दिख रही है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव का इस दौरान आपकी राशि के संवेदनशील भावों को प्रभावित करेंगे। ऐसे में आप अपना बचाव करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान आपके लिए सबसे अहम कार्य रहेगा कि आप खुद का बचाव करें। बात करें साल के अंतिम तीन महीनों यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के स्वास्थ्य के लिहाज से यह अवधि आपके लिए सबसे अधिक उत्तम रहने के योग दर्शा दे रही है, क्योंकि इस अवधि में लाल ग्रह मंगल की आपकी राशि के अनुकूल
सकुल भाव में उपस्थिति रहेगी, जिसके कारण आपको अपार ऊर्जा और जीवन शक्ति प्राप्त होगी। इसके परिणाम स्वरूप यह समय आपको अपने सभी पुराने रोगों से निजात देगा और आप अपनी तमाम मानसिक चिंताओं से मुक्ति पाते हुए एक स्वस्थ, सुखी और समृद्धशील जीवन इस टाइम पर गोचर करेंगे, अच्छे से बिताएंगे। सी राशिफल के अनुसार अगर देखा जाए तो करियर की दृष्टि से, व्यापार और नौकरी की दृष्टि से वर्ष 2022 कैसा रहेगा। अगर देखा जाए तो यह वर्ष आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। खासतौर से 26 फरवरी को जब मंगल का मकर राशि में गोचर होगा तो आपको कार्यक्षेत्र में अपार सफलता की प्राप्ति होगी। फिर चाहे आप नौकरी पेशा हो या व्यापारी हो, आपका संबंध हर तरीके से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। फिर मध्य अप्रैल के बाद राहु का मेष में गोचर होगा। परिवर्तन होने से आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपने संबंध बेहतर कर सकेंगे, जिससे उनकी मदद से आपको पदोन्नति होने की योग बन रहे। योग ये अच्छे योग है। इस तौर पर आप अगस्त से लेकर अक्टूबर का माह आपके करियर के विशेष शुभ रहने का योग है, क्योंकि इस दौरान आप अपने पूर्व के हर अधूरे पड़े कार्यों को समय पर पूरा करते हुए नजर आएंगे और इससे आप लाभ भी अर्जित करने में सक्षम रहेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो इस समय बहुत शानदार है सिंह राशि वालों। हालांकि अक्टूबर के अंतिम चरण में कार्यक्षेत्र में कुछ जातकों को स्थान परिवर्तन संभव है। इसका सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव उन नौकरी पेशा जातकों को मिलेगा जो अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे। साथ ही नवंबर माह में कई जातकों को पदोन्नति मिलने के योग इस टाइम पर दिख रहे हैं। वहीं व्यापारी जातकों की बात करें तो इसके लिए कहना चाहूंगा कि यह वर्ष सामान्य रहेगा। खासतौर से विदेश से जुड़ा व्यापार करने वाले जातकों के लिए इस वर्ष अच्छा लाभ अर्जित करने के योग हमें दिख रहे हैं, तो इस चीज पर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो ये वर्ष जो है सिंह राशि वाला आपके लिए बहुत अच्छा, शानदार व्यापार, नौकरी और आपके हर तरीके के बिजनेस जो आप करते हो उसमें बेनिफिट देने वाला है। इसके साथ बात करते हैं शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा वर्ष 2022। सिंह राशिफल 2022 के अनुसार शिक्षा में आपको भरपूर सफलता मिलेगी। खासतौर से वर्ष का शुरुआती समय आपके लिए उत्तम रहेगा, परंतु फरवरी और अप्रैल के महीने में थोड़ा सावधान रहने की हमको आवश्यकता आपको दिख रही है, क्योंकि इस समय आप किसी कारणवश अपने मन को शिक्षा के प्रति केंद्रित रखने के असक्षम होंगे, जिसका सीधा प्रभाव आपकी आने वाली परीक्षाओं पर पड़ेगा। इसके बाद अप्रैल से अगस्त के बीच गुरु ग्रह बृहस्पति मीन राशि में होने से आपके पंचम भाव पर पूर्ण रूप से दृष्टिगत रहेंगे और इससे छात्रों का भाग्य का साथ मिलेगा। खासतौर से माध्यमिक शिक्षा से जुड़े जातकों को पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी और 12 अप्रैल को राहुदेव का भी स्थान परिवर्तन होने वाला है जो आपके भाग्य स्थान को प्रभावित करेंगे। इस अवधि के दौरान विशेष जातक जो पढ़ाई करने को अपना सपना देख रहे विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं, सामान्य से अधिक शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि छाया ग्रह राहु आपकी राशि के 9th हाउस में गोचर करेंगे और लंबी दूरी की यात्रा के भाव को सक्रिय करेंगे। खास तौर से यदि आप किसी विदेश कॉलेज में या विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो वहां पर आपको बहुत अच्छे शानदार तरक्कीपूर्ण प्रभाव यह राहु आपको देगा। इस समय आपको शुभ समाचार मिलेंगे और जिससे आपका नाम जो है हर तरीके से ख्याति प्राप्त रहेगा। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों के लिए वर्ष सामान्य रहने वाला है और जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको नौकरी प्राप्ति में अच्छे बेनिफिट इस टाइम पर प्राप्त हो सकते हैं। अगर इसी तरीके से बात करी जाए कि पारिवारिक जीवन की दृष्टि से वर्ष 2022 आपके लिए कैसा रहेगा सिंह राशि वालों, तो सिंह राशि वालों वर्ष 2022 इस वर्ष आपको पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस पूरे वर्ष आपके जीवन के कई अच्छे व महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेंगे। खासतौर से जनवरी से लेकर अप्रैल तक मंथी आप अपने मातृ पक्ष के लोगों के साथ किसी सुदूर यात्रा पर जाने का निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि इस दौरान छाया ग्रह केतु आपकी राशि के परिवार व घरेलू सुख सुविधाओं के भाव में उपस्थित रहेंगे, जिससे उनके साथ यात्रा के योग भी बने हैं। जहां आप घर के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करते हुए आप अपने दिल की बात को समझाने में सक्षम रहेंगे। फिर अप्रैल से जुलाई तक परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। यदि पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद चल रहा था तो आपके अष्टम भाव में गुरु बृहस्पति के होने वाले गोचर के कारण उसका फैसला भी इस अवधि के दौरान आपके पक्ष में परिवार की खुशियां लाएगा, परिवार में खुशियों का आगमन रहेगा। इस साल अप्रैल के अंतिम चरण में राहु और शनि का गोचर होने वाला है, स्थान परिवर्तन करेंगे, आपके लिए खास अनुकूल रहेगा गोचर, क्योंकि इस दौरान भौतिक सुख सुविधाओं का पूर्ण रूप से लाभ उठाने में आप सक्षम रहेंगे। इसके अलावा जहां सितंबर से नवंबर के बीच में घर के किसी नए मेहमान का आगमन होने के योग भी दिखाई दे रहे हैं, तो वही आपके भाई बहनों के लिए भी यह वर्ष जो है विशेष अनुकूल रहने की संभावना में दर्शा रहा है। साल के अंत में आपको पारिवारिक व पिता का सहयोग प्राप्त होगा। इसके परिणाम स्वरूप पिताजी और आपके संबंध मधुर बनेंगे और आप उनके सलाह मशवरा लेते दिखाई देंगे। साथ ही यदि पिता का स्वास्थ्य कष्ट था तो इस साल अंत में उनकी सेहत में सुधार होने की संभावना हमें दिख रही है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन की दृष्टि से वर्ष 2022 सिंह राशि वालों आपके लिए कैसा रहेगा। अगर वैवाहिक जीवन की दृष्टि से देखा जाए तो विवाहित जातकों को इस वर्ष अपने दाम्पत्य जीवन में अच्छे फल प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं।
हालांकि शुरुआती समय में आशंका अधिक है कि इस अवधि में आपको अपने जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की परेशानी हो, क्योंकि आपकी राशि के विवाह के भाव के स्वामी इस दौरान रोग भाव में उपस्थित होंगे, जिसके चलते आपके तनाव में वृद्धि हो सकती है। ऐसे में एक अच्छे जीवन साथी की तरह उनकी सही देखभाल करें। अप्रैल से लेकर सितंबर महीने तक आप दोनों के रिश्ते में नयापन देखने को आएगा और आप अपने हर विवाद को गलतफहमी को साथ मिलकर समझाने में सक्षम रहेंगे। वर्ष के मध्य में आप दोनों किसी सुदूर यात्रा पर जाने का निर्णय ले सकते हैं, जहां आपको एक दूसरे के नजदीक आने के कई अवसर मिलेंगे, क्योंकि इस समय कर्म फलदाता शनि आपकी राशि के विवाह व लंबी दूरी की यात्रा के सेवंथ हाउस में उपस्थित रहेंगे। ऐसे में संतान पक्ष को लेकर आप अपने जीवन साथी से इस वर्ष को लेकर विचार विमर्श करें। हालांकि जून और अगस्त का माह आपके बढ़ते क्रोध के कारण वैवाहिक जीवन में नकारात्मकता प्रभाव दे सकता है। ऐसे में इस वर्ष आपको इस समय सबसे अधिक सतर्कता बरतने की हिदायत दी जाती है। और सिंह राशि वालों, संतान प्राप्ति की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो इस टाइम पर आप इसमें भी कंप्लीट हो सकते हैं। इसके साथ देखा जाए तो वर्ष जो है 2022 वो प्रेम जीवन की दृष्टि से आपके लिए कैसा रहेगा। प्रेम राशिफल के अनुसार देखा जाए तो वर्ष 2022 आपके लिए सामान्य ही बदलाव देखने को मिलेंगे। साल की शुरुआत में मंगल का आपके पंचम भाव में स्थित होना इस बात की नहीं और इशारा कर रहा है कि आपका प्रियतम के साथ बातचीत करते हुए आपको क्रोध पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। ऐसे में उनसे बातचीत के समय भी आप अपने शब्दों को चयन सोच समझ कर करें, अन्यथा आप दोनों के बीच कोई बड़ा विवाद संभव हो सकता है। अप्रैल से लेकर मई के बीच की भी किसी तीसरे अनजान व्यक्ति का हस्तक्षेप आप दोनों के बीच समस्या उत्पन्न कर सकता है। हालांकि आप दोनों साथ मिलकर उस समस्या को हल करते हुए अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह सक्षम रहेंगे। साल की शुरुआत में जो भी विवाद आपके प्रियतम के बीच चल रहा था वे मध्य वर्ष के बाद दूर होगा। इस समय कई प्रेमी जातक अपने प्रियतम के साथ प्रेम विवाह में बंधने का फैसला भी लेंगे। सितंबर के महीने में आप अपने प्रियतम के साथ किसी यात्रा पर जाएंगे, जहां आप दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर वार्तालाप करते दिखेंगे। और साल के अंतिम दो माह यानी कि नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए सबसे अधिक उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आप अपने लव लाइफ में आ रही हर समस्या को एक दूसरे के साथ मिलकर समझाने में कोशिश करेंगे और इसे निपटाने की पूरी तरीके से आप कोशिश करेंगे और इसमें संपूर्ण रूप से आप सफल भी रहने वाले हैं। इसके साथ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2022 में जो लोग प्रेम संबंधों में है, लव लाइफ में है, वो मैरिड लाइफ को कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि लव मैरिज में कन्वर्ट हो सकते हैं, और ये सबसे अच्छी चीज़ रहने वाली है सिंह राशि वाले जातकों के लिए। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये वर्ष जो है वर्ष 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो देखा जाए तो वर्ष 2022 है जो आपके लिए सामान्य से बेहतर रहने वाला है। खासतौर से साल की शुरुआत यानी कि जनवरी माह के मध्य में जब मंगल का स्थान परिवर्तन धनु राशि में होगा तो आपकी राशि का पंचम भाव प्रभावित होगा, जिससे सबसे अधिक आपको आर्थिक कैरियर और के क्षेत्र में जुड़े उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। आपके करियर की बात करें तो यूं तो यह वर्ष करियर के लिहाज से बेस्ट शानदार है। खासतौर से फरवरी के आखिरी सप्ताह में मंगल के आपकी राशि की सेवाओं के छठे भाव में गोचर करना आपको कार्य क्षेत्र से जुड़े हर कार्य में सफलता देगा। इसके बाद अप्रैल में छाया ग्रह राहु का भी मेष राशि में गोचर कार्यस्थल पर आपके स्थान परिवर्तन होने के योग भी बनाएगा, और इस दौरान अपने बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आप संबंध बेहतर रखने की कोशिश करेंगे। इस वर्ष विशेष रूप से अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का समय आपके लिए खास उत्तम सिद्ध होगा। वहीं देखा जाए तो विद्यार्थी के लिए कहना चाहूँगा, वर्ष ये जो फल कथन है 2022 ये कहता है कि आप अपनी शिक्षा में यूँ तो अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे, परंतु इसके लिए आपको खुद को केवल और केवल अपनी शिक्षा के प्रति केंद्रित रखने की आवश्यकता है। खासतौर से फरवरी और अप्रैल माह के दौरान आपका ध्यान कुछ भ्रमित हो सकता है, क्योंकि इस दौरान आपकी शिक्षा के फिफ्थ हाउस के स्वामी का गोचर होगा, जिसके कारण आपको अपनी संगति में सही सुधार करने की आवश्यकता है। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे थे उन्हें भी इस वर्ष सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है, परंतु अप्रैल के बाद गुरु बृहस्पति का परिवर्तन आपकी राशि से 8th हाउस में होने वाला है और आपको अपनी सेहत के प्रति खास ध्यान रखने की इस टाइम पर आवश्यकता में दिख रही है। इसके अलावा परिवार, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों में देखा जाए तो आपको बेहतर फल इस टाइम पर मिलते हुए दिख रहे हैं। अप्रैल के आखिरी सप्ताह से जुलाई के मध्य में घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम आयोजन होंगे और साथ ही खुशियां भी आएगी। हालांकि यदि आप शादीशुदा है तो ये वर्ष आपके लिए ठीक ठाक रहेगा, परंतु जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य कष्ट इस टाइम पर हो सकते हैं, आपको मानसिक तनाव इस टाइम पर प्राप्त हो सकते हैं। यहीं पर बात करेंगे वर्ष 2022 में सिंह राशि वाले जातकों को उपाय क्या करना चाहिए। अगर वो उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत शानदार प्राप्तियाँ इस टाइम पर होगी। सबसे पहला उपाय जो है मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि नियमित रूप से सुबह जल में आप गेहूँ डालकर सूर्यदेव को अर्पित करें, यानी कि सूर्य को अर्घ्य देना है, आप उसमें गेहूँ डालकर पानी में अर्घ्य दें सूर्यदेव को। दूसरा उपाय, नियमित रूप से आदित्य हृदय स्त्रोत का आपको पाठ करना है, क्योंकि सूर्यदेव आपकी राशि के स्वामी है तो आपको इस चीज़ को करना ही है। इसके साथ आप अपने गले या अपने बाजू में यानी कि आपकी जो रिंग है, ये जो रिंग फिंगर होती है जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, इसमें आप जो है तांबे की अंगूठी धारण करें,
आपके लिए अच्छा रहेगा, और गौ सेवा करें, आपको गौ गाय को हरा चारा खिलाना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये चार उपाय आप करेंगे जीवन में, छोटे छोटे उपाय, इससे आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव होंगे और आप जो परेशानी से जूझ रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। ये कुछ उपाय और ये राशिफल वर्ष 2022 का मैंने सिंह राशि वालों आपको बताया, ये हम आपको समर्पित करते हैं। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि वर्ष 2022 आपके लिए कैसा रहेगा सिंह राशि वालों। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री नाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।